शुभोदय छात्रों, मेरा नाम भास्कर है। मैं हिंदी अध्यापक हूँ, आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। इसके पहले हम नवीं कक्षा का पहला पाठ के बारे में जानकारी किए थे। आज हम नवीं कक्षा का दूसरे पाठ का जानकारी करेंगे। समझ में आ रहे बच्चों? पाठ में जाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको सोच कर उसके उत्तर देना है। ठीक है बच्चों? मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका उत्तर देने का है। पहले ये बताया कि इस धरती पर हमारे साथ में कौन कौन से प्राणियां हैं। इस धरती पर कौन कौन से प्राणियां हैं, बोल सकते हैं क्या? बोलिए, कौन कौन से प्राणियां हैं? कौन कौन से प्राणियां हैं? जानवर है, कीड़े हैं और पक्षी यानी चिड़िया है, या नहीं? ये सभी इस धरती पर हमारे साथ में है। तो इनमें क्या है, कुछ पक्षियों के लिए अलग से भाषा है, बात करते हैं, जानवरों की भाषा अलग है, या नहीं? तो इस तरह और हमारी भाषा भी अलग है, हम बात करते हैं। तो उसी तरह अगर कोई चिड़िया बात करती है, क्या बता सकते? अगर कोई चिड़िया बात करती है तो उसका नाम बताइए। बता सकते हैं बात करने वाली चिड़िया? सही, तोता। तोता बात करती है, वो बात करने वाली चिड़िया है, नहीं तो बोलने वाली चिड़िया है, बोलती है चिड़िया, बोलती है। समझ में? सो उसी तरह अगर कोई चिड़िया गाती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई चिड़िया गाती है तो हम उसे क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? गाने वाली चिड़िया। समझ में आ रहा है? गाने वाली चिड़िया। सो आज हम इस गाने वाली चिड़िया पाठ की जानकारी करेंगे। क्या नाम है पाठ का? पाठ का नाम है गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया है, समझ में आ रहे बच्चों? गाने वाली चिड़िया। ये गाने वाली का अर्थ क्या है? गाने वाली, जो गाना गा सकती है, गाना गाती है, वो गाने वाली है। चिड़िया बोले तो पक्षी है, चिड़िया का अर्थ है पक्षी। यहाँ देखिए, यह एक चिड़िया है नहीं? ये चिड़िया है, चिड़िया गाती है, गाने वाली चिड़िया है। इस पाठ के बारे में हम जानकारी करेंगे। यह पाठ एक कहानी पाठ है। किस तरह का पाठ है? कहानी है। यह पाठ एक कहानी है। बच्चों, आपको कहानी सुनना पसंद है क्या? या पसंद है? क्यों पसंद है? कहानी क्यों सुनते हैं? कहानी से क्या लाभ है, बोल सकते हैं क्या? बोलिए। या सही है, एक जो है कहानी से मनोरंजन होता है, कहानी से मनोरंजन होता है, और दूसरा क्या है, क्या लाभ है दूसरा? कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा का अर्थ है नीति, शिक्षा माने नीति है। कहानी से एक जो है मनोरंजन होता है और दूसरा शिक्षा भी मिलती है। तो इसके वजह से सब लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो यह कहानी, इस गाने वाली चिड़िया कहानी, इस नवी कक्षा में क्यों दिया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? हम हर काम, जो भी काम करते हैं, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। तो उसी तरह इस पाठ का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है बोले तो, इस पाठ का उद्देश्य कहानी पढ़कर, इस कहानी को पढ़कर भाव ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना है। भाव ग्रहण यानी अर्थ ग्रहण करना है, और उसके बाद इसी तरह के कोई दूसरी कहानी लिखना है, कोई दूसरा कहानी लिखना है।
कहानी लिखते समय किस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है उसकी जानकारी होगी आपको, उसकी जानकारी मिलती है इस कहानी में, और कहानी के द्वारा कुछ शिक्षा मिलती है, तो उसके वास्ते यह कहानी दिया गया है। उद्देश्य क्या है? कहानी पढ़कर समझना, नहीं तो अर्थ ग्रहण करना, और इसी तरह का कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। समझ में आ रहा बच्चों? कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। तो अब पाठ में जाएंगे, इस कहानी को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। यहाँ देखिए, एक राजा था, राजा, देखिए यहाँ राजा है, ये एक राजा है। पुराने जमाने में राजाओं का शासन था, राजा, राजाओं का शासन था। उसी तरह एक राजा था, राजा महल में रहता था, एक सुंदर महल में रहता था, और उस महल पर उनको गर्व था। वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था, उसे अपने महल पर बहुत गर्व था, गर्व करता था, और उस महल को देखने के लिए संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। कौन आते? यात्रियां आते थे महल को देखने के लिए संसार के कोने कोने से। इसका अर्थ है संसार के हर जगह से यात्रियां आते थे। यात्रियां, यात्री बोले तो यात्रा करने वाला, यात्रा करने वाला। यात्रा क्या है? एक स्थान से अन्य स्थान को जाना यात्रा है। तो इस तरह महल को देखने के लिए संसार के हर कोने से, हर जगह से यात्रियां आते हैं, और ये यात्रियां महल को देखने के बाद क्या करते हैं? उस महल की सुंदरता, महल कैसे है, महल की सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं। बोलो, यात्रियां जो है महल की सुंदरता के बारे में वर्णन किए थे, और उस वर्णन में महल की सुंदरता के साथ साथ उनके यात्रा वर्णन में एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखे थे। एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखे थे। वह मधुर स्वर में गाती थी। मधुर स्वर बोले तो मीठे स्वर, मीठे आवाज से गाती थी। तो इस तरह इसके बारे में वर्णन किया गया है। और आगे क्या हुआ? राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाले चिड़िया के विषय में नहीं बताया, जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। तो राजा महल के बारे में जो लोग वर्णन किए थे उसमें गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखे थे, लेकिन राजा को इसके पहले कभी भी इस चिड़िया को नहीं देखा था। राजा ने इसके पहले कभी भी उस चिड़िया को नहीं देखा था। इसका अर्थ है राजा को उसको उस चिड़िया के बारे में नहीं मालूम है। तो यात्रियों के यात्रा वर्णन पढ़ रहे थे, यात्रियों जो वर्णन लिखे थे उसे जब वे पढ़ रहा था उस समय उसको किसकी जानकारी हुई, किसके बारे में पता चला? गाने वाले चिड़िया के बारे में पता चला। तो राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा क्योंकि वो गाना गाती है। इसके पहले उस तरह के चिड़िया को कभी भी नहीं देखा, तो उसके वास्ते इस चिड़िया को देखना चाहा राजा ने। और उसके बाद क्या किया उसने? अपने सेवकों को बुलाकर कहा। सेवक, इसका अर्थ है सेवा करने वाला। सेवकों को बुलाकर कहा, सैनिकों को बुलाकर कहा,
तुम लोगों ने कभी मुझे उस गाने वाले चिड़िया के विषय में नहीं बताया। क्या कहा उसने, क्या पूछा उसने? तुम लोगों ने कभी भी मुझे गाने वाले चिड़िया के बारे में नहीं बताया। तुम लोगों ने मुझे गाने वाली चिड़िया के बारे में नहीं बताया। और उसने कहा कि जाओ, जाकर जंगल में ढूंढ कर उस गाने वाली चिड़िया को यहाँ पकड़ ले आओ। इस तरह राजा ने कहा, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। और राजा ने क्या कहा, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। समझ में आ रहा बच्चों? राजा ने क्या कहा, सेवकों को बुलाकर, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया, अब तुम जाकर जंगल में उस चिड़िया को ढूंढ कर पकड़ कर यहाँ लेकर आइए, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। इस तरह किसने कहा, राजा ने कहा। किसे कहा, किसे कहा? सेवकों से कहा। राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा, राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा, और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। गाने वाले चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाले चिड़िया को। ओ वह कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। सो राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने, सेवकों ने क्या किया, जंगल में गए थे। किसके वास्ते, किसके वास्ते? चिड़िया को ढूंढने के लिए। और वे लोग भी इसके पहले चिड़िया को नहीं देखे थे, उसके वास्ते उनको भी चिड़िया कहाँ है और वो कैसी है चिड़िया के बारे में उनको भी नहीं पता है, उनको भी नहीं मालूम है। तो अब राजा की आज्ञा पाकर, राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने जंगल में गए, सेवक जंगल गए थे और वहाँ जाकर चिड़िया को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते कौन मिले, ढूंढते ढूंढते जंगल में ढूंढते ढूंढते कौन मिले, एक लड़की से मिले। वे लोग एक लड़की से मिले और लड़की जो है चिड़िया को गाने गाते हुए देखी थी, जो चिड़िया को देखी थी उस लड़की से मिले वे लोग। कौन है? सेवक। और गाने वाले चिड़िया का नाम लेते हैं। लड़के से मिलने के बाद सेवकों ने लड़के से पूछा कि हम राजमहल से आए हैं, तुमने इस प्रकार के चिड़िया को देखा जो गाना अच्छी तरह गाती है, मधुर स्वर में गाती है। तो इस तरह उन्होंने कहा, उन्होंने लड़की से पूछा। गाने वाले चिड़िया का नाम लेते ही, इसका अर्थ है नाम सुनते ही, नाम सुनते ही लड़के ने कहा, लड़के ने सैनिकों से कहा, सेवकों से कहा कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाले चिड़िया को, मैं उस गाने वाले चिड़िया को जानती हूँ। ओह वह कितने मधुर स्वर में गाती है, वह कितने मधुर स्वर में गाती है। इस तरह उस लड़के ने कहा। और उसने कहा कि जब मैं यहाँ काम समाप्त करके अपने घर लौटती हो तब रास्ते पर वहाँ अपने मीठे गाना मुझे सुनाती है। कौन सुनाती है? गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया मुझे मीठे गाना सुनाती है जब मैं काम समाप्त करके अपने घर लौटती हूँ। गांव में हम देख सकते हैं क्या करते हैं लोग, जंगल में जाकर काम करते हैं, नहीं तो खेती बारी में जाकर काम करते हैं। समझ में आ रहे? तो इस तरह ये लड़के भी जंगल में काम कर रहे थे और जब वहाँ काम समाप्त करके अपने घर लौटते हैं उस समय गाने वाली चिड़िया
मधुर गाना मीठे गाना सुनाती है। यही बातें उस लड़की ने किसे कहा, सेवकों से कहा। सैनिकों ने अनुरोध किया, उस चिड़िया को दिखाने का अनुरोध किया। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, आवाज देना। लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, आवाज देने का अर्थ है बुलाना, आवाज देने का अर्थ है बुलाना। सैनिकों के अनुरोध पर, अनुरोध विनती यानी प्रार्थना, सैनिकों के प्रार्थना पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी। और किस तरह, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी। लड़की ने चिड़िया से आवाज दी कि मेरी प्यारी सुंदर चिड़िया, हे मेरी प्यारी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा गाना सुनना चाहता है, हमारे राजा तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, क्या तुम राजा के पास जाकर उसे अपने गाना सुनाओगे। राजा के पास जाकर राजा को अपने गाना सुनाओगे क्या। इस तरह लड़की ने किसे कहा, चिड़िया से कहा। समझ में आ रहा बच्चों, चिड़िया से कहा। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोले, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया ने कहा, मेरे गाना, मेरे संगीत तो इस जंगल में रहने वाले मजदूर, काम करने वाले मजदूर बोले तो काम करने वाले, समझ में आ रहे। सो जंगल में रहने वाले मजदूरों को और खेतों में काम करने वाले किसानों को, खेत में कौन काम करते हैं, किसान, किसानों को बहुत अच्छा लगता है, वे मेरा गाना पसंद करते हैं, उनको मेरा गाना पसंद है, लेकिन फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। जरूर मैं राजा के पास जाऊंगी और वहां राजा को भी मैं अपना गाना सुनाऊंगी। इस तरह चिड़िया ने किसे कहा, लड़की से कहा। क्यों, लड़की ने चिड़िया से कहा, क्या तुम राजा के पास जाकर अपने गाना सुनाओगे। तो चिड़िया ने उत्तर दिया कि जरूर मैं राजा के पास जाऊंगी और अपने गाना सुनाऊंगी, क्योंकि यहाँ रहने वाले जंगल में रहने वाले खेतों में रहने वाले काम करने वाले किसान और मजदूर मेरा गाना पसंद करते हैं, फिर भी मैं राजा के पास जाऊंगी और राजा को भी अपना गाना सुनाऊंगी। तो इस तरह चिड़िया ने कहा। तो अगले दिन सो दूसरा दिन क्या हुआ, अगले दिन दरबार लगा हुआ था, लड़की सहित सभी उपस्थित थे, तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। अगले दिन क्या हुआ, राजा का दरबार लगा हुआ, दरबार का अर्थ है राजा की सभा, राजा की सभा, सभा में राजा अपने गद्दी पर बैठे थे और मंत्रियां और बाकी अफसर अधिकारी अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। तो राजा का दरबार लगा हुआ, सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे थे और वे लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और उसमें लड़की भी है, जो लड़की गाने वाले चिड़िया को जानती है वो लड़की भी वहाँ पे उपस्थित है, राजा के दरबार में उपस्थित है। लड़की सहित सभी उपस्थित थे, तभी उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आई, उड़ती हुई तभी चिड़िया वहाँ आई, राज दरबार में आई चिड़िया, और आते हुए अपने मधुर आवाज में गाने लगी। चिड़िया उड़ते हुए आई थी और मधुर आवाज में गाना गाने लगी, और उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए, उसका गाना सुनकर सब लोग मुग्ध हो गए, चिड़िया का गाना सुनकर सब लोग
वहाँ रहने वाला सब लोग बहुत खुश हुए। मुग्ध होना मुहावरे है, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। बहुत खुश हुए वहाँ पर रहने वाले सब लोग, दरबार के सब लोग। राजा के आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए और राजा को चिड़िया के गाना सुनते ही खुशी के आंसू आ गए। राजा के आंखों से खुशी के आंसू आ गए। कब कुछ समय हमें ज़्यादा सुख है तो भी आंखों से आंसू निकलते हैं, नहीं आंखों से आंसू निकलते हैं, इसका अर्थ है वे लोग बहुत प्रसन्न है, बहुत खुशी है, खुशी से है। सो राजा के आंखों से खुशी के आंसू आ गए, इसका अर्थ है राजा भी बहुत प्रसन्न हुए, राजा भी बहुत खुश हुए थे चिड़िया के गाना सुनकर। चिड़िया का गाना सुनकर राजा भी बहुत खुश हुए थे और वे बोले, प्यारी चिड़िया तुम यही हमारे पास रहो, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। और राजा ने चिड़िया से कहा कि प्यारी चिड़िया तुम यही हमारे पास रहो, तुम इस महल में ही रहो, जो तुम मांगोगे सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जो तुम मांगोगे, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ यहाँ तुम्हें मिलेगा, तुम यही रहो। तो चिड़िया बोली, चिड़िया ने कहा, राजा से कहा, महाराज मैं आपके पास रहूँगी, महाराज हे राजन मैं आपके पास रहूँगी, मैंने आपके आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं, क्योंकि मैं जब गा रहे थे तो उस समय मैंने आपके आंखों से जो आंसू निकले हैं, खुशी के आंसू निकले हैं, उनको मैंने देखे थे, तो उसके वास्ते मैं समझा कि मेरा गाना सुनने से, मैंने समझा कि मेरे गाना सुनने से आपको बहुत खुशी मिली, उसके वास्ते मैं यही रहूंगी। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया, उसके बाद चिड़िया वहां पे है और चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया, सोने का पिंजरा बनवाया गया। यह देखिए, यह एक पिंजरा है, पिंजरा, पिंजरा का अर्थ केज। चिड़िया के लिए राजा ने सोने का पिंजरा बनवाया गया, पिंजरा चिड़िया रहने के लिए लाया गया राज दरबार में। या चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया, जिस किसी चीज की वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता। जिस किसी चीज, अगर कुछ दाना चाहिए चिड़िया को, पानी चाहिए नहीं, और रहने के लिए पिंजरा, ये सभी राजा ने क्या किया, ये सभी सुविधाएं राजा ने चिड़िया को दिया, राजा के द्वारा दिया गया है। जिस किसी चीज की वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। तो इस तरह चिड़िया राजमहल में है और सारे राज्य में चिड़िया के संगीत की धूम मच गई, इसका अर्थ है सब लोग चिड़िया के बारे में चर्चा कर रहे थे, चिड़िया के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप चिड़िया के गाना पूरे राज्य में क्या हो गया, चिड़िया के गाने के संगीत के धूम मच गए पूरे राज्य में। इसके पहले चिड़िया जंगल में थे, जंगल में काम करने वाले और किसान, खेत में काम करने वाले किसानों को चिड़िया के बारे में मालूम है। लेकिन अब राजा महल के आने के बाद, राजमहल में आने के बाद चिड़िया के बारे में सबको मालूम हो गए और सब लोग चिड़िया के बारे में चर्चा कर रहे थे। समझ में आएगा बच्चों? या और अब इसमें जो शब्दार्थ है, नए शब्द है, उनके जानकारी करेंगे। अब इसमें से नए शब्दों के जानकारी हम करेंगे। समझ में आ रहे? यहां शब्दार्थ देखिए, राजा, राजा बोले तो राजा करता है शासन करने वाला, शासक।
शासक, राजा का अर्थ शासक है, यानी नृप, शासक यानी नृप। और महल, भवन, ये शब्द अपने किताब में लिख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। राजा का अर्थ है शासक यानी नृप, महल का अर्थ है भवन। गर्भ, घमंड, यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। यात्री, यात्री का मतलब यात्रा करने वाला, यात्रा करने वाला। मधुर, मीठा, मधुर मीठा। चिड़िया, पक्षी नहीं, सेवक, जंगल, इसके बाद जंगल, जंगल बोले तो वन, वन जंगल का अर्थ है वन, जंगल बोले तो वन है। और इसके बाद दरबार, राजा की सभा, रॉयल कोर्ट, राजा की सभा, रॉयल कोर्ट। और मधुर मीठा हो गया। समाप्त, समाप्त इसका अर्थ है अंत, अंत करना, समाप्त करना। लौटना, वापस आना, लौटना वापस आना। रास्ता, राह, वे, रास्ता करते हैं वे। अनुरोध, अनुरोध इसका अर्थ है विनती यानी प्रार्थना, विनती यानी प्रार्थना। संध्या समय, संध्या समय। शाम, संध्या समय शाम। गाना, गीत, गाना करते हैं गीत। और आवाज, ध्वनि या स्वर। ध्वनि या स्वर, आवाज। और इच्छा, चाह, इच्छा चाह। ये इसमें दिए गए शब्दार्थ है। अब तक जो कहानी पढ़ चुके हैं
कहानी सुने हैं, इसमें ये शब्द आते हैं, अपने किताब में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, और अब आपने क्या सीख लिया, क्या सीख लिया उसके थोड़ा सा आवृत्ति करेंगे। समझ में बच्चों क्या सीख लिया तुमने? सही, एक राजा था, राजा को अपने महल पर बहुत गर्व था, वह जो महल में रहते उस पर बहुत गर्व था। उस महल को देखने के लिए बहुत सारे यात्रियाँ दुनिया भर के सभी जगह से आते थे, और वे लोग यात्रा वर्णन लिखे थे। उस यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के साथ साथ एक गाने वाली चिड़िया के बारे में लिखे थे। समझ में आ रहे? तो जब राजा ने यात्रा वर्णन पढ़ रहे थे, उस समय चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने सेवकों से पूछा, तुमने मुझे इस गाने वाली चिड़िया के बारे में कभी भी नहीं बताया। और राजा ने सेवकों से आज्ञा दिया कि जंगल जाकर चिड़िया को ढूंढकर पकड़ कर लाने को कहा, क्योंकि वहाँ चिड़िया के गाना सुनना चाहता है। समझ में आ रहा है? राजा की आज्ञा पाकर सेवक उन्हें जंगल गए, और चिड़िया को ढूंढते समय उन्हें एक लड़की मिली। लड़की से वे लोग पूछे कि चिड़िया के बारे में। चिड़िया ने लड़के ने चिड़िया को बुलाया, और लड़के ने चिड़िया से कहा कि हमारा राजा तुम्हारा संगीत यानी गाना सुनना चाहता है, क्या तुम वहाँ जाकर राजा के लिए अपने गाना सुनाओगी? तो चिड़िया ने मान लिया। अगले दिन क्या हुआ, राजा दरबार लगा हुआ है और सब लोग चिड़िया के लिए इंतज़ार कर रहे थे लड़की के साथ सहित। और वहाँ चिड़िया उड़ती आई और अपने गाना गाना लगी, उड़ते हुए गाने गाने लगे। चिड़िया के गाने सुनकर सब लोग मुग्ध हो गए, सब लोग खुश हो गए, और राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। राजा के आंखों से खुशी के आंसू निकले। उसे देखकर चिड़िया ने राजा को वादा किया कि मैं यहाँ रहूँगी और तुम्हारे लिए भी, आपके लिए भी मैं गाना गाऊंगी। तो इस तरह चिड़िया ने कहा। चिड़िया वहाँ राजमहल में रहती थी, और चिड़िया के लिए जो पिंजरा चाहिए और दाना चाहिए और पानी चाहिए, जो भी चिड़िया इच्छा करती है वो सभी राजा के द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ तक आप लोग जान चुके हैं। अगले क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसकी जानकारी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।